press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले कश्मीर में थे, जहां पे ना सिर्फ उन्होंने अपने काम गिनवाए बल्कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के भी वादे किए। तो इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। कश्मीर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कश्मीर सवरता हुआ दिखाई दे रहा है, कश्मीर फलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने तकरीर और अपनी स्पीच के माध्यम से 32,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, उस अनाउंसमेंट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल कश्मीर के युवा बच्चों के एडुकेशन पर दिया गया है और हॉस्पिटल पर दिया गया है, रेलवे पर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। मैं उसकी पूरी लिस्ट लेकर के बैठी, सारी लिस्ट अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं, जो मेन चीज है आप उसको कर लीजिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। जैसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल के बारे में बात की गई है, जैसे जब बर्फबारी हो जाती है तो रेलवे ट्रैक खराब हो जाता है, नहीं चल पाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, या बच्चों के लिए नर्सिंग सेंटर बहुत कम थे, या एकेडमिक का जो की जो फैसिलिटी थी वो बहुत कम थी। अब अच्छा होता क्या है कि स्नोफॉल की वजह से क्या होता था कि अगर स्कूलें हैं तो भी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। Exactly. तो इस बार आपने देखा होगा कि एक रील बहुत वायरल हुई थी जो एक मंत्री जी ने, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने उसको दिखाया था कि बर्फ बर्फ भरा हुआ है और कश्मीर की रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है आराम से। उसके बाद फिर फाइका आप लोगों के साथ भी बैठती है तो एकदम स्नो फॉलिंग हो रही थी और मैंने उसको फोन किया, फाइका अभी तुम मेरे साथ लाइव करो। कह रही है हाँ कर लेते हैं। मैंने कहा स्नो फॉलिंग हो रही है कैसे करोगी? तो कह रही है नहीं मैम ये नेटवर्क एकदम जबरदस्त है। उसके बाद इजाज बोल करके हमारे मतलब भैया है, वो एकदम खास कश्मीर में ही रहते हैं, तो उनको मैंने कॉल किया व्हाट्सएप कॉल, उन्होंने उठाया। मैंने कहा आप व्हाट्सएप कॉल उठा रहे हैं? कह रहे अरे भाई मोदी जी का जलवा है, नेटवर्क का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बर्फबारी हो रही है फिर भी मोदी जी का जलवा है। तो नेटवर्क से लेकर के स्पोर्ट्स से लेकर के उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के स्कूल से लेकर के और जितने भी मतलब अकेडमिक चीजें थी उसको इनलार्ज करने पर बहुत फोकस किया गया है। जहां पर एमबीए की पढ़ाई जैसे 2000 बच्चे करते थे तो 10,000 बच्चे कर पाएंगे, नर्सिंग सेंटर में अगर 1,000 बच्चे जा पाते थे तो अब 10,000 बच्चे जा पाएंगे, इंजीनियरिंग की फैसिलिटी के लिए अगर बच्चों को दिल्ली आना पड़ता था तो अब उनको कश्मीर में ही वो फैसिलिटी मिल जाएगी, एमबीबीएस करने के लिए अगर दिल्ली या बैंगलोर जाना पड़ता था बच्चों को तो अब कश्मीर के बच्चों को दिल्ली या बैंगलोर का रास्ता नापने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के साथ रह करके आप एमबीबीएस वहां पर कर सकते हैं। और एमबीबीएस करने के बाद जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उसी में हॉस्पिटल भी है, आप उसी में फिर नौकरी में भी लग जाओ, उसी में इंटर्नशिप भी कर लो। तो ये जो पैकेज फैसिलिटी जो मिल जो मतलब एज अ स्ट्रैटेजी और एज अ प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। जो कश्मीर में पढ़ रहा है वो कश्मीर के वासियों के लिए ही खुद को समर्पित करे, जो कश्मीर में फल फूल रहा है वो कश्मीर को और भी ज्यादा फल फुलाए। अब कश्मीर में बहुत सारे फॉरेन कंट्री के हॉलीवुड के शूट भी हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले बहुत सारे शूट कर रहे हैं कश्मीर में। इवन 28 मार्च को एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है जिसमें वन ऑफ द जज मैं भी हूँ, तो उसमें भी वो जो फैशन शो हो रहा है वो कभी मतलब लास्ट ईयर आई थिंक सिडनी में हुआ था और इस बार लेकिन उन्होंने कश्मीर को चुना है कि नहीं हम कश्मीर करेंगे। तो ये तो अब जैसे टनल के मैंने बात की है कि लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, अब होता क्या है कि हमें कश्मीर वालों को होता था कि 13-14 घंटा उनको ट्रैवल करना था तो काम कब करेंगे, जब हम 13-14 घंटा ट्रैवल को दे देंगे तो वर्क कब करेंगे। अब उस टनल के माध्यम से आप 4-4.5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो उस टनल से। कश्मीर में कुछ ऐसे टनल्स हैं जो 1-1 घंटे बस टनल है लेकिन वो रास्ते को बहुत शॉर्ट कर चुका है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे,
जब पहाड़ पर गाड़ियां चलती थी तो बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, लेकिन अब उसको इतना खूबसूरत बनाया गया है और बैरिकेड्स वगैरह इतने खूबसूरत दिए गए हैं कि रात में थोड़े से फॉग में भी अगर गाड़ियां चले तो एक्सीडेंट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। कम हो गई। आप सोचिए कि कितनी छोटी छोटी चीज, कितनी बारीकी बारीकी चीज को भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से देखा गया है कि जान कैसे बचानी है, कश्मीर को फलना फुलाना कैसे है, कश्मीर को शिक्षित कैसे करना है, कश्मीर को हर एक प्रोजेक्ट में आगे कैसे लेकर के आना है और हर एक स्ट्रीम और हर एक तरीके से आगे लेकर आना है। ऐसा नहीं सिर्फ हॉलीवुड के लोग आगे शूट कर दिए, नहीं, कश्मीर के हर एक बच्चा के हाथ में किताब होना चाहिए, कश्मीर के हर एक बच्चे के जुबान पर वंदे मातरम भारत माता की जय, ये उनके मुंह से खुद निकल रहा है। इवन फकर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पीओके को पाकिस्तान संभाल नहीं पा रही है, पाकिस्तान बचा नहीं पा रही है, लोग अपने आप में बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, मेरी तो गुजारिश रहेगी मेरे प्रधानमंत्री से कि अब हमें पीओके को संभाल लेने की जरूरत है, उनको पानी की दिक्कत है, उनको बिजली की दिक्कत है, उनको नेटवर्क की दिक्कत है, उनको खाने पीने की दिक्कत है, क्योंकि आपके यहाँ पीओके में हॉस्पिटल शायद सिर्फ 3 है और उसके इतने चार्जेस हैं कि गरीब आदमी जो पीओके के लोगों की हालात है वो उसको पेमेंट नहीं कर सकते, वो उनको संभाल नहीं सकते। हमारे यहाँ जर्नल बेड जो है, अभी मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ, ये इवन कश्मीर के बारे में बता सकती हूँ, मैं दिल्ली के बारे में बता सकती हूँ, महाराष्ट्र के बारे में बता सकती हूँ, जर्नल बेड जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी कीमत 110 रुपए है, 110 मात्र 110। तो ये फैसिलिटीज मुझे लगता है कि पीओके के लोगों को हमारी तरफ से अब मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए और मेरा पिटिशंस रेडी हो रहा है जो मैं अमित शाह जी को भेजना चाह रही हूँ कि अब हम पीओके के लोग वासियों को एटलीस्ट बिजली, पानी, नेटवर्क और खाना ये तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे भारत का की एक सभ्यता है कि हम जानवर को भी मरने नहीं देते हैं, हम जानवर को भी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे आंख के सामने पीओके के जिंदा इंसान कभी भूख के मारे मर रहे हैं, कभी नौकरी ना होने के मारे मर रहे हैं, तो कभी बिजली पानी की कमी की वजह से वो परेशान हो रहे हैं, बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत पीओके को है और हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए। वो तो खैर मेरे ख्याल में बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ नहीं भी हो सकता, क्योंकि यही दावा पाकिस्तान कर रहा होता है कि जी वहां पे तो ऐसा था। लेकिन ना जी एक क्वेश्चन है लास्ट कि 2019 में जब ये सारा कुछ हुआ 370 और ये हटाया गया, तो उस वक्त ये था माइंड में कि वाकई 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाएंगे तो एक और किस्म का कश्मीर उनको मिलेगा, एक नया किस्म का कश्मीर मिलेगा, वहां की यूथ उनको जाके उनके साथ सेल्फियां बनवाएंगी और उनको मेरे ख्याल में उनके काम को अप्रिशिएट करते, तब तो जाके उनको वेलकम कर रहे थे, अगर अप्रिशिएट ना करते तो फिर वेलकम करने ना आते। ऐसा कोई उस वक्त सोचा जा सकता था, मतलब आप भी या फिर बाकी लोग, कि हाँ 5 साल के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि जो आज हम शायद सोच नहीं सकते। 2019 में अगर मुझसे पूछे तो मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट जो आज मुझे नजर आ रहा, वेरी सिंपल मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ या मैंने एक साल पहले देखा जब वहां पे लास्ट ईयर G20 हुआ या इस तरह की और इवेंट्स हो रहे हैं और टूरिज्म बढ़ रही है, बाकी चीजें बढ़ रही है, तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, होने का था लेकिन इतनी स्पीड से होगा ये नहीं था। देखिए मोदी गारंटी का एक अलग करिश्मा है जी। अगर जुबान से मोदी जी के कोई चीज निकल गई है तो आप ये मान कर रखिए कि वो पूरी होनी है, ठीक है। अब बात आती है कि आप मोदी जी के फॉलोअर्स और मोदी जी को वाकई में जो अपना आइडियल या पिता स्वरूप मानते हैं, अगर आप उनसे भी मिलेंगे ना, तो घर से निकलने से पहले मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ कि जब मैं घर से निकलने वाली होती हूँ तो मैं पहले अपना एक रोड मैप बनाती हूँ कि मुझे पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। मैं पूरे दिन में तकरीबन 10 से 12 डिबेट, नेशनल डिबेट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ करती हूँ, फिर स्कूल के बंगाली चैनल्स पर मैं बैठती हूँ, तो हर एक लैंग्वेज भी अलग हो जाता है, कंटेंट भी अलग हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये कहा अरे नाजिया यहाँ पर मात खा गई, नाजिया ये सवाल का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि हमारा
हमारा रोड मैप पहले बना होता है, हम पहले ही सोच चुके होते हैं कि यहाँ से घर से निकलेंगे तो दाहिना लेंगे तो एक काम वहां पर हो जाएगा, उसके बाद बायां लेंगे तो दो काम वहां पर हो जाएगा। hmm. तो ये हमारा पहले बना होता है। जब 2019 में 370 हट गया, उसके बाद फिर 2023 में इतने बड़े लीगल बैटल के बाद भी 370 हटा ही रहा, तो हमें 2019 में ही पता था कि कश्मीर इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना खूबसूरत हो जाएगा कि हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया हटने के बाद ही तो ज्यादा खूबसूरत हुआ। तो लगा जब 370 था तब तो कौन की नदियां बह रही थी, तब तो एक दूसरे को सब काट रहे थे, मार रहे थे, तब तो लोग सुरक्षित। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ मोदी जी के काम गिनवाए बल्कि ये भी बताया कि आने वाले वक्त में भारत में क्या बदलाव होने वाले हैं और खासकर कश्मीर की तरक्की देख के हम सबको गर्व होता है। जहां पे कश्मीरियों की सोच बदली है, जिन हाथों में कभी पत्थर हुआ करते थे आज उनके हाथों में तिरंगा है। और जैसे कि नाज़िया खान जी ने बताया कि J&K को 32,000 करोड़ का बजट भी अलॉट हुआ है, जिससे J&K में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।